So, or Concept, इसका जो टॉपिक है वो ऐसे भी आता है राइट अबाउट और जाता है जब स्टेजेस आ जाए तो स्टेजेस के साथ उसके कैरेक्टर्स भी लिंक होते हैं एंड उसके साथ उसके मेरिट डिमेरिट एंड एसिमुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और हम बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ये सारा कहां पे होता है इसी इसी चीज़ में होगा इसी थियोरी के होगा के स्कीमा क्या है वट डू यू मीन बाई स्कीमा ठीक है सेंसोरी जो स्टेज है वो क्या होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है फॉर्मेट फॉर्म सॉरी फॉर्मल है सॉरी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, है इंट्रोडक्शन so, so करना, करना है तो कंफ्यूजन आ रहा है ना कि मैम डेफिनेशन डाल दू डेफिनेशन डाल दू डेफिनेशन नहीं है पहले आपको कॉग्नेटिव का क्या डालना पड़ेगा कि थोड़ा सा इंट्रो डालना पड़ेगा तो कॉग्नेटिव से आप जानते क्या हो वॉट डू मीन बाई कॉग्नेटिव वो लिखना है तो इट इज द डेवलपमेंटल प्रोसेस जितने भी डेवलपमेंट है उसके एक डेवलपमेंट ये भी है ना ये एक 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 है। तो उसके अकॉर्डिंग process, आया है सैशब शिशु का जो भी छोटे बच्चे को हम शिशु बोलते हैं तो शिशु से उनका जो बचपन रहता है उसी को हमने बोल दिया इन्फेंसी मतलब उनका सैशव अवस्था तो इन्फेंट बिकम्स एन इंटेलिजेंट पर्सन intelligent person acquiring knowledge with growth and improvement in thinking learning abstract and reasoning देखो कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे अच्छे से समझो तो ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है मतलब ऑलवेज ग्रोइंग प्रोसेस है कभी स्टॉप नहीं होता एंड आपके ब्रेन में मैं थोड़ा-थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ सपोज ये आपका ब्रेन है छोटा सा बना रही हूँ ये आपका ब्रेन है ब्रेन के विदइन है ठीक है ब्रेन के विदइन है तो ये ब्रेन के अंदर आपके एक सेल होता है जो कि एवरी टाइम डिवाइड हो रहा है एंड बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं मेमोरी सेल इसको ब्रेन सेल भी बोल सकते हैं ठीक है और एक नॉलेज uh, वाला फैक्ट बताऊं कि आप एवरी डे ऑलमोस्ट सेवन थाउजेंड टू टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड सात हजार से लेके दस हजार तक थॉट सुनते हो देखते हो समझते हो ठीक है कितने थॉट्स देख रहे हो सात हजार से दस हजार वो मे भी आप कंसियस uh, में हो सकते सियस में हो सकते हैं सबकॉन्सियस में हो सकता है बट आपको सेवन टू टेन थाउजेंड क्या मिलेगा थॉट्स मिलेंगे उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो हमारे मेमोरी सेल्स के थ्रू छोटे छोटे पैकेट्स में छोटे छोटे पैकेट्स में स्टोर हो जाते हैं स्टोर हो जाते हैं जो इंफॉर्मेशन लॉन्गर पीरियड के लिए आप यूज कर सकते हो एंड इसी से आप यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मतलब प्रॉब्लम का कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं तो so, आपका थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज करे राइट तो ये जो चीज हो गया ये थॉट प्रोसेस बोला जाता है इसको हम क्या बोलते हैं थॉट प्रोसेस बोलते हैं अभी बहुत सारा चीज होता है यहाँ पे एक छोटा सा कान के पास कान के ऊपर अंदर की तरफ एक छोटा सा चीज होता है एमैक्डेला बोलते हैं जहाँ से ब्रेन सेल्स का उत्पत्ति होता, होता है ओरिजिनेशन होता है बहुत सारी चीज है तो यहाँ पे समझ लो कि ब्रेन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ब्रेन सेल्स को नरुशमेंट कौन पहुंचाएगा कौन उसको खाना पहुंचाएगा ब्लड ब्लड के थ्रू पहुंचता है ठीक है ब्लड नहीं सप्लाई होगा तब बहुत सारा इश्यूज आता है ब्रेन में ब्लॉकेज आ जाते हैं क्लॉटिंग हो जाता है ब्रेन के जो वेंस है वो फट जाते हैं ये छोटा छोटा चीज जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दी जिससे पढ़ने को आपको ईजी लगेगा अभी देखो ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस हो गया जो कि एक छोटे बच्चे को कॉग्निटिव ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट के साथ एक इंटेलिजेंट पर्सन में कन्वर्ट कर रहा है क्या हो गया एक इन्फांट है एक छोटा बच्चा है उसको इंटेलिजेंट पर्सन बना रहा है मतलब हम आई को आईपी बना रहे हैं

ठीक है ऐसा गेम्स खेलते रहते हो ना वैसे ही दिमाग के अंदर ले लिया तो ये हो गया एक्वायरिंग नॉलेज ठीक है जैसे-जैसे आपका ग्रोथ बढ़ेगा आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा एंड इंप्रूवमेंट अगर जब नॉलेज बढ़ते रहता है तो क्या इंप्रूवमेंट करते हो थिंकिंग में सोचने का जो क्षमता है उसमें इंप्रूवमेंट आता है उसके साथ-साथ लर्निंग साथ, का जो प्रोसेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है कोई बच्चा अगर बचपन में नहीं पढ़ रहा था एंड वो बैक बेंचर्स है इसका मतलब वो नहीं है कि वो जाके बाद में अंबानी नहीं बन सकता वो जाके बाद में मोदी नहीं बन सकता या वो जाके बाद में कोई अच्छा काम बिजनेसमैन नहीं बन सकता वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि ये उसका इंटेलिजेंस जो एबिलिटी है इंटेलिजेंस का जो एबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रिसीव कर रहा है वो अगर मोटिवेटेड हो गया वो लेना शुरू कर दिया इंफॉर्मेशन को देन वो और ज़्यादा सीख के आगे बढ़ सकता है इन फ्यूचर तो ये हो गया बच्चा अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है तो जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ जा रहा है वो एक पॉइंट से जनरल हो गया मतलब बड़ा स्पेसिफिक हो गया छोटा छोटा पॉइंट्स बट डिटेल्ड पॉइंट्स ठीक है तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है किसी चीज को आपने ओवरऑल दे दिया उसको वो उससे छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसी को निकाल के आपको बता रहा है तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है एंड वो रीजनिंग कर सकता है रीज़निंग मतलब क्या है? किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना रीजन आउट करना कारण दर्शाना कि इसमें क्यों हुआ ये क्या है कैसे होगा ये चीज ठीक है हो गया इंट्रो हमने दे दिया अभी देखो मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चलते हैं मीनिंग के साथ द टर्म कॉग्निशन ये जो टर्म है कॉग्निशन और कॉग्निटिव हिंदी बच्चे प्लीज आप लोग इसको ये जो टर्म से इसको इंग्लिश में ही यूज करेंगे तब जाके आप उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर पाएंगे संज्ञानात्मक लिख दो तो उसका टर्म लैटिन से नहीं आएगा उसको इंग्लिश में लिखोगे तभी आप लैटिन में उसको लिख सकते हो कि लैटिन में ये बोला गया इसका एक्सप्लानशन ये है सो द टर्म कॉग्निशन और कॉग्निटिव हैज बिन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कौन सा लैटिन वर्ड से आया कॉग्नोसियर क्या है कॉग्नोसियर C O G N O S C E R E, which means to know किसी चीज को जानना अच्छा इससे पहले भी हमने पढ़ा था एडोलसियर एडोलसियर का मतलब था टू ग्रो ठीक है ना टू ग्रो तो वहाँ पे मतलब बताया गया वो भी लैटिन वर्ड से आया था इसका मतलब था ग्रो होना बड़ा होना ऐसे ही देखो यहाँ पे मेंशन किया टू नो किसी चीज को जानना अधिक से अधिक मात्रा में जानना तभी जाके आपका आईक्यू बढ़ता है तो इसको हमने दो लाइन लिखा भी उसके बाद देखो कितने गैप के साथ मैंने गैप छोड़ा है पूरा गैप छोड़ दिया कोई जरूरत नहीं कुछ भी लिखने का एंड इसको ऐसा डायग्राम थोड़ा सा दे दिया कॉग्निशन कॉग्नोशियर टू नो एरो मार्क नीचे नीचे जाएगा इसका हम एक्सप्लेनेशन देते हुए जाए अभी देखो क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट में हम चल रहे हैं कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ नॉलेज तो इसका मतलब आपने क्या समझा ऊपर जो भी हमने पॉइंट पढ़ा उससे दो लाइन आए कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ नॉलेज कॉग्निशन का मतलब होता है जब आप अपना नॉलेज का यूज करते हो ज्ञान संचार होना ज्ञान का संचारण होना आपके दिमाग में ज्ञान बढ़ रहा है ठीक है आप नॉलेज का यूज समझ रहे हो उसका इस्तेमाल समझ रहे हो बस हो गया कॉग्निशन उसे ही बोलते हैं दिस प्रोसेस कैन बी नेचुरल ठीक है natural, और आर्टिफिशियल ये देखो नेचुरल का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया अच्छे से लिखना प्लीज एंड जो भी रॉन्ग हो सकता है भाई हम लोग भी इंसान है हो ही सकता है तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेना ठीक है 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 तो नेचुरल और आर्टिफिशियल ये जो प्रोसेस कॉग्निशन कभी कभी क्या होता ना शॉर्ट पीरियड के लिए भी होता है किसी चीज को आपने अच्छे से समझ लिया बट लास्ट में आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लिया हो तो भूल जाते हो ठीक है ना वो शॉर्ट पीरियड है वो आर्टिफिशियल है है ना किसी चीज को आपने समझा बट लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं शॉर्ट पीरियड के लिए तो आर्टिफिशियल है एंड नेचुरल भी हो सकता है मतलब जो लॉन्गर पीरियड के लिए रहे एंड आप उसको बार बार यूज भी करो अपने लाइफ में तो ये किस पे डिपेंड करता है कॉन्शियस एंड नॉन कॉन्शियस नॉन कॉन्शियस कुछ बुक में मेंशन था तो इसको आप चेंज कर दोगे अनकॉन्शियस लिख दोगे ठीक है अनकॉन्शियस लिख दोगे बेटर रहेगा चेंजेस मस्ट होना चाहिए लाइफ में तो उस अकॉर्डिंग नॉन कॉन्शियस से आप अनकॉन्शियस लिख दो थोड़ा बेटर ग्रामर के थ्रू आते हैं अनकॉन्शियस होगा वहां पर नॉन कॉन्शियस नहीं लिख के अनकॉन्सियस करिएगा रॉन्ग रहता ही है ठीक है, है। तो ये दोनों स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। Already तीन पॉइंट uh, हो हो बायोग्राफिकल स्केच, बायो स्केच देंगे किसके बारे में जीन पियाजे के बारे में जीन पियाजे मतलब क्या होता है ना एमसीक्यूज में अभी एक दो वर्ड आएगा लैटिन वाला वर्ड याद आ जाएगा ना कॉग्नोसियर हाँ जिसका मतलब है टू नो ये याद रह गया तो उसको याद रख लेना वो वन मार्क का एमसीक्यू है आपके ओटेट के लिए सीटेड के लिए जो भी टेट्स हैं उसके लिए अभी और एक टर्म मैं अभी बताऊंगी जीन प्याजे कौन है ये लाइन याद रखना पूरा ये जो लाइन मैं मार्क कर रही हूँ ना ये पूरा लाल लाल ये लाइन को पूरा याद रख लोगे ये चाहिए और ये चाहिए बस ये थोड़ा सा याद रखोगे ये चीज याद रखने वाला है तो जीन प्याजे फ्रेंच के रहने वाले थे ठीक है उनका बर्थ कहां पे हुआ था फ्रेंच में हुआ था एंड उनका बर्थ जो पीरियड है इतना याद नहीं रखना पड़ेगा नो no नीड उनका बर्थ पीरियड याद नहीं रखना है ठीक है बर्थ पीरियड याद नहीं रखना है वो 1896 नाइन्टी सिक्स नाइन्थ अगस्त को हुए था एंड सिक्सटीन सेप्टेम्बर में उनका डेथ हुआ था जो भी एक पीरियड था बट ये याद नहीं रखना है नो no नीड अगर छोड़ भी देते हो कोई जरूरत नहीं वॉज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट ये याद रखना है स्विस साइकोलॉजिस्ट कौन है स्विस साइकोलॉजिस्ट है ठीक है Known for his work on child development. अभी समझ आ रहा है जीन पियाजो ने किसके ऊपर काम किया चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया ठीक है उसी के लिए वो फेमस भी थे पियाज इग्नेटिव डेवलपमेंट एंड एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी देखो अभी इन्होंने क्या किया कॉग्नेटिव डेवलपमेंट प्लस एपिस्टेमोलॉजी मतलब हमारा ऑरिजिनेशन जहां से आया है कहा किसके थ्रू आता है, है? क्रोमोजोम Chromosome. तो ये होता है कैरेक्टर जहां से हम अपने थिंक प्रोसेस को अपने नॉलेज को अपने पेरेंट्स से ही लेके आ रहे हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जा रहा है या पेरेंट्स टू चाइल्ड को जा रहा है तो इसको आप टुगेदर कर लो अभी क्या करेंगे कैसा लिखेंगे इसको और भी अगर शॉर्ट करना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्लस एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा इन टोटल में जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी क्या बन जाएगा जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी ठीक है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पियाजे अभी सबके माइंड में आता होगा कि पाइगेट पाइगेट बोले ठीक है बहुत लोग बोलते हैं पाइगेट है पाइगेट है पाइगेट नहीं है अगर अच्छे से देखो ये पियाजे है टी प्रनाउंस नहीं होगा टी को साइलेंट रखना है यहाँ पे पियाजे हाँ इसको ना हम क्या करते हैं एग्जाम के हॉल में अगर कुछ भूल जाते हो तो पियाजी याद रख लेना प्याजी तो खाते ही हो याद रह जाएगा ठीक है पियाजे सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे एंड जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में वर्क किया था एंड उनका जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पे एक बुक आया था जो की रिसर्च के बाद आया था प्याजे प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों के एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बोला था ठीक है ही सेड उन्होंने क्या बोला सेट दैट ओनली एजुकेशन इज द कैपेबल ऑफ सेविंग आवर सोसाइटीज फ्रॉम पॉसिबल कोलैप्स वेदर violent और gradual जो हमारा अभी ढंगस चल रहा है ना विध्वंस, ढंगस जो भी चल रहा है उसको अगर बचाना है तो सारे बच्चों को जो भी हैं सबको एजुकेट करवा दो उसी से ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि कोई एक तो ऐसा बच्चा आएगा जो कि अपने दिमाग को ऐसा लगाएगा जो अपना को आईक्यू को ऐसा लगाएगा जो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके तो इसलिए उन्होंने बोला था सारे लोगों को पढ़ाओ सारे बच्चों को पढ़ाओ सारे चाइल्ड को हमें एजुकेशन देना चाहिए एजुकेट करवाना चाहिए हिस थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्टडीड इन प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम ये सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आता है कि प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं प्री सर्विस बोला गया देखो सर्विस से पहले आप लोग जो स्टडी कर रहे हो बीएड पढ़ रहे हो इसको प्री सर्विस ट्रेनिंग बोलते हैं दो टाइप के ट्रेनिंग होते हैं एक होता है प्री सर्विस ट्रेनिंग एक होता है इन सर्विस ट्रेनिंग सर्विस के दौरान अगर आप कुछ पढ़ रहे हो जैसे कि आप गवर्नमेंट में ऑलरेडी टीचर हो अगर पढ़ते हो या फिर कोई ट्रेनिंग लेते हो तो उसको हम बोलते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो मतलब नॉर्मल प्राइवेट जॉब इज ओके okay, बट गवर्नमेंट का कोई नहीं कर रहे हो एंड एजुकेशन रिलेटेड भी कुछ नहीं कर रहे हो ऐसे नॉर्मल अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो या फिर बी एड कोर्सेस कर रहे हो या फिर जैसा एक डी कर रहे हो या सी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उसको हम प्री सर्विस ट्रेनिंग

Cognition को उन्होंने कैसा समझा एक प्रोसेस है। समाज में, आप रहते हो, में आप रहते हो, ही आपको लर्निंग तो करते हुए थिंकिंग एबिलिटी आप इंक्रीज हो रहा है थिंकिंग एबिलिटी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये पावर आपका एबिलिटी हो रहा है मतलब इंक्रीज uh, कर रहा है ये एबिलिटी आपने इंक्रीज कर रहा है तो ये कॉग्निशन एज थॉट प्रोसेस है दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर कॉग्नीशन एज सोशल प्रोसेस बिकॉज वी आर जस्ट लाइक लिव इन ए सोसाइटी और वी आर कवर्ड विद एन्वायरमेंट पर्टिकुलर एन्वायरमेंट एंड पर्टिकुलर एन्वायरमेंट मीन्स इन दिस एन्वायरमेंट स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक ह्यूमन स्पेसिफिक न्यूट्रिश ऑल आर प्रेजेंट एंड इंट्रैक्ट विथ ईच अदर जस्ट लाइक बायोटिक एंड ए बायोटिक हम बोलते हैं सारे चीजें जो जड़ वस्तु हैं ठीक है हम अच्छा थोड़ा सा और ईजी आ जाते जो जीवित हैं और जो मर चुके हैं वो भी लिंक्ड है खान पान वो भी लिंक्ड है पढ़ाई हाँ भी लिंक्ड है सब कुछ प्रेजेंट है इसी एनवायरनमेंट में आप जब इसी एनवायरनमेंट में रहते हो तो इसी का ही रूल्स को फॉलो करते हो तो उसी से ही सोशल होते हो उसी के साथ आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है तो चॉइसेस आर मेड रिगार्डिंग एनवायरनमेंट एंड एक्शन आपका कौन सा लेवल इंक्रीज होगा मतलब कितना आई क्यू इंक्रीज होगा ये डिपेंड करता है आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप कौन से टाइप के सोसाइटी में ग्रो कर रहे हो

हो गया ना देखो अभी इसी चीज़ को ऐसे नहीं कर सकते में, पैसा खर्च नहीं कर सकते जो कि नॉर्मल कंडीशन में होता है यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हो उधर पढ़ो थोड़ा जहाँ पे मैनेज हो सके करो तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या समझाते हैं कि आपको एक्चुअल सोसाइटी में कैसे ग्रो करना है ठीक है रिच पर्सन इस सोसाइटी में कम है मिडिल क्लास एंड नॉर्मल बहुत ज्यादा है सो so, इस वजह से दो टाइप का एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको दिखा सकते हो कि क्या एक्चुअल कॉग्निशन प्रोसेस है कैसे सोसाइटी कॉग्निशन को बिल्ड कर रहा है ठीक है अभी उसी के अकॉर्डिंग आप चूज करते हो आपको कैसा एक्शन करना है एंड आपका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा सो इट इज कंसिडर्ड एज द रिलेशन टू द सोशल एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन तो आपका आई या कॉग्निशन किसके साथ लिंक हो गया आपके सोसाइटी के साथ एंड जो आपके आस जो लोग रहते उसके साथ लिंक्ट हो गया नेक्स्ट इट इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट व्हिच प्रोवाइड्स सोशल वर्च्यूज एंड लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस तो देखो आप सोसाइटी में रहते हो अगर आपका अगर दिमाग नहीं होता आप आईक्यू आपके जीरो होते तो क्या आप बातचीत भी कर सकते थे क्या आपके माइंड में वर्ड्स भी स्टोर होता भाषा जो अधिग्रहण कर रहे हो जो आप भाषा को भी समझ रहे हो क्या आप उसको समझ पाते नहीं हम नहीं समझ पाते हम याद ही नहीं रख पाते कोई चीजों को तो इसलिए देखो आप अगर सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के जो भी वर्च्यूज है लॉज है जो रूल्स हैं वो भी आपको पता चल रहा है एंड उसी से ही आपके आई में भी वो स्टोर हो रहे हैं आपके दिमाग में वो स्टोर हो रहे हैं आपका कॉग्निशन लेवल बढ़ रहा है एंड साथ साथ आप लिंग्विस्टिक भाषागत जो आ, विचार है वो भी बढ़ रहे हैं आप भाषाओं के प्रति जो आपका प्यार है वो भी बढ़ रहा है आप डिफरेंट लैंग्वेज को लर्न करना स्टार्ट करें तो ये आपका पहले सोशियल प्रोसेस हो गया

दे देंगे तो ये डिसीजन मेकिंग हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया जो कि बच्चों को चाइल्डहुड से एडल्टुड तक ले जाता है एक बच्चा जब डिसीजन मेकिंग कर सकता है सही डिसीजन ले सकता है तब समझ लेना वो बच्चा रेस्पॉन्सिबल बन रहा है बड़ा हो रहा है ठीक है इट इज द एबिलिटी ये एक एबिलिटी है द चाइल्ड हैज लैक ऑफ थिंकिंग चाइल्डहुड पीरियड में बच्चा का क्या लूज करता है मतलब वो उसमें क्या नहीं है उसका थिंकिंग एबिलिटी वो लिख करता है लैकिंग है उसमें ठीक है अभी थिंकिंग एबिलिटी डिफरेंट वेज में आता है सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच लेना थिंकिंग एबिलिटी नहीं होता है जो एनवायरमेंट के रिलेटेड हो अपना खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सके वैसे चीज को हम यहाँ पे मैं करें द चाइल्ड गेट्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग बच्चा कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा अपने सराउंडिंग से एंड यूजेस अकॉर्डिंग टू हिज मेंटल एबिलिटी अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से उसको यूज करेगा अपने कॉग्निशन के हिसाब से वो यूज करेगा द एरियाज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो एरियाज हैं वो क्या क्या हैं क्या क्या आते हैं उसमें जैसे कि प्रोसेसिंग होना ठीक है इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होगा और जस्ट लाइक कंप्यूटर थिंक कर लो ना सीपी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है मदरबोर्ड रहता है जहाँ पे आप वर्क करते हो कीज रहते हैं जो कि आपको हेल्प करता है रिफ्रेश करने में कीबोर्ड में वर्क करने में स्केप करने में सब कुछ है वहाँ पे प्रेजेंट एंड आपका जो स्क्रीन है उसमें आप जब टाइप करके लिखते हो तो अंदर में बाइनरी जो सिस्टम्स हैं उसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन पहले क्या होगा कॉपीड होता है फिर वो कोडिंग से डिकोड होगा देन इन्फॉर्मेशन जैसे ह्यूमन रीड कर सके वैसा आता है वैसे आपके दिमाग में भी चल रहा है वैसे ही आपके दिमाग में भी प्रोसेसिंग चल रहा है ठीक है आपके प्रोसेसिंग वैसे ही चल रहा है कोई इंफॉर्मेशन क्या तो इन्फॉर्मेशन जब आपके पास तक आता है उसको हम बोलते हैं कोडिंग कोडेड इन्फॉर्मेशन है ये कौन सा इन्फॉर्मेशन है कोडेड इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में घुस गया ब्रेन में चला गया अभी ब्रेन में जाने के बाद वो इन्फॉर्मेशन हम जैसे समझ पाए उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो इसको जब हम खोलते हैं किसी भी चीज को आप खोलते हो तो उसको हम डी बोलते हैं अनरैप्ड बोलते हैं खोल देना तो ये डी हो गया ठीक है डी हो गया आफ्टर डी वो प्रोसेस्ड होकर ही डी हुआ तो हम उसको प्रोसेसिंग में इंक्लूड कर लिया अभी देखो प्रोसेसिंग होने के बाद इंटेलिजेंस uh, में रहेगा आप रीजनिंग कर सकते हो लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हो मेमोरी में स्टोर कर सकते हो इतना सारा चीज कर सकते हो इसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ सीरी जो स्टेजेस हैं आज स्टेजेस का शॉर्ट बता देती हूँ कल तो उसको एक्सप्लेन करूँगी तो पियाजेज के अकॉर्डिंग पियाजेस का जो थ्योरी आया था फॉर द फर्स्ट टाइम आया वो नाइनटीन में आया याद रहेगा नाइनटीन हाँ? आप वो ये भी पूछा जा सकता है कि पियाजेस का कंसेप्ट कब आया था बिफोर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस थोड़ा याद रखोगे 1952 याद रह गया तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देंगे इट वाज बेस्ड ऑन चाइल्ड नॉलेज ये किस पे डिपेंडेंट है जब कॉग्निशन का बात आ रहा है मतलब चाइल्ड नॉलेज एंड बेसिक नॉलेज यूनिट बेसिक नॉलेज यूनिट एज स्कीमा ठीक है मेमोरी यूनिट और नॉलेज यूनिट स्कीमा फोर स्टेजेस stages. -stages बहुत सारे आएंगे बट चार स्टेजेस ही हैं। तो आपको इसको याद रखने के लिए याद कर लेना मतलब मैं सीक्वेंस बताती हूँ ठीक है? S -P -C अगर वो भी भूल गए कभी भूल गए स्पेसिफिक याद रख लेना क्या याद रखोगे स्पेसिफिक ये टर्म तो याद रह जाएगा देखो कैसे हम करते हैं स्पेसिफिक में सीक्वेंस भी आ जाएंगे स्पेसिफिक का देखो देखो एस पी सी एफ स्पेसिफिक ठीक है और एस पी सी एफ भूल दोनों चीज है लिख के रख सकते हो ये बुक में कहीं पे मेंशन नहीं होता शॉर्टकट स्पेसिफिक तो एस पी सी एफ तो एस आपका क्या है सेंसोरी स्टेज है कौन सा स्टेज है स्टेज है ये कौन से पीरियड में आता है जीरो टू टू इयर्स मतलब ये इन्फेंसी स्टेज आपको याद है ना जो स्टेजेस मैंने बोला था एक आ गया इन्फेंसी देन अर्ली चाइल्डहुड लेटर देन एडोलेसेंस इसी स्टेज को यहाँ पे भी मेंशन करना है देखो जीरो पे हम ज्यादा सेंसेस का यूज करते हैं एंड हमारा क्या होता है सेंस को ही यूज करके हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है एंड हमारा फिजिकल ग्रोथ होते रहता है तो ये हो गया सेंसोरी मोटर सेंसोरी मोटर देन आगे हम नेक्स्ट में नंबर टू में प्री ऑपरेशनल क्या है प्री ऑपरेशनल ऑपरेशन से पहले मतलब मिडिल स्टेज नहीं आया जो मतलब गैंग एज आ रहा था उससे पहले प्री में सोच लेना प्री गैंग एज याद आ गया अर्ली चाइल्डहुड टू टू सेवन ईयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज राइट इसके बाद देखो अभी बोलना मत कि मैम आप उसको यहाँ पर लिख दिए हो नहीं ये स्टेज पहले आएगा तीन मेंशन है यहाँ पे इसके बाद चार स्पेसिफिक बोली हु तो स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग याद रखना है एसपीसी कॉन्क्रीट ऑपरेशन देखो पहले प्री ऑपरेशन फिर एक पक्का वाला चीज होगा कॉन्क्रीट जहाँ पे पूरा पक्के हो जाओगे आपका फाउंडेशन बिल्ड होना स्टार्ट कर रहा है आप वहाँ पे स्ट्रांगली खड़े हो तो ये कॉन्क्रीट स्टेज है लेटर चाइल्डहुड सात से बारह साल का ठीक है सात से बारह साल का रेंज है इसका एंड लास्टली फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि एडोलेसन पीरियड का है ये ट्वेल्व ईयर ऑनवर्ड्स ट्वेल्व ईयर ऑनवर्ड्स और ट्वेल्व टू नाइनटीन ईयर्स मैंशन कर सकता है ट्वेल्व टू नाइनटीन ईयर्स इसके अकॉर्डिंग बात का जो भी है वो पढ़ेंगे हम लोग तो उसके बाद इतने सारे स्टेजेस फिर आएंगे ये ओनली सेंसरी मोटर का छः स्टेज है छः सब स्टेज को हमें थोड़ा थोड़ा करके याद रखना है उसके बाद उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है इजी इजी है कॉग्निटिव वर्ड कहाँ से आया था एक लैटिन वर्ड है मैं पहले भी आपको याद दिलाती हूँ हर बार की अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसमें एक लैटिन वर्ड वाला कॉन्सेप्ट आ चुका था जो लैटिन वर्ड था एडोलेसेंस का एडोलेस वर्ड दैट मीन्स टू ग्रो फिर आया था हमारा नेक्स्ट इसका जो कि काग्नेटिव डेवलपमेंट है पियाजेस का कॉन्सेप्ट कॉग्नेटिव मीन्स होता है टू नॉलेज और टू नो मतलब नॉलेज को एक्वर्ड करना या टू नो किसी चीज को जानना तो ये कॉग्नोसियर वर्ड से आया था कॉग्नोसियर जो लैटिन टर्म्स है कॉग्नोसियर उससे आ गया फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलवर्क का वहां पे भी एक लैटिन वर्ड आएगा मोरल मोरल कौन सा लैटिन वर्ड से आया है मोर्स मोर्स ठीक है एम ओ आर -E ई एस वो भी पढ़ने वाले हैं तो देखो अभी सब लैटिन लैटिन चल रहा है ठीक है बीच में एक आता आएगा ग्रीक अदरवाइज ग्रीक वाला बहुत कम आते हैं ज्यादा से ज्यादा सारा लैटिन वर्ड में ही आता है ठीक है अभी देखो इसके बाद हमने पढ़ा था जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था पियाजे का कंसेप्ट में मैंने बोला था कि जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट है स्विस साइकोलॉजिस्ट है एंड उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में वर्क किया था उन्होंने क्या किया था ना हेरिडिटी को जाके साइकोलॉजी के साथ जोड़ दिया ठीक है साइकोलॉजी प्लस हेरिडिटी उसको जोड़ के उन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी बोल के अपना एक बुक बनाया था जो कि इम्पॉर्टेंट है सारे टीचर्स के लिए क्योंकि वो बच्चों को समझने के लिए उनके साइकोलॉजी को पहला समझना पड़ेगा समझना चाहिए भी तो ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए कौन सा एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्री सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम्स कौन सा एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्री सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट था ठीक है कैसे बच्चे ये वर्ल्ड को बचाएंगे फर्दर उनको कैसे ग्रो होना है तो तो उसके लिए क्या है एजुकेशन एजुकेशन था तो को हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए यहाँ पे प्री सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम में इस कंसेप्ट को डाले थे कि बच्चों का चाइल्ड जो साइकोलॉजी है और ये बच्चों का जो मनोविज्ञान है उसको पढ़ना पड़ेगा सारे टीचर्स को यहाँ हो गया ये पेज थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ बस फिर आया था पियाजेस का दो प्रोसेस है मतलब पियाजेस का जो थ्योरी है उसमें दो प्रोसेस हैं एक है सोशल प्रोसेस दूसरा है थॉट प्रोसेस मतलब एक सोशल प्रोसेस में आप समाज के थ्रू कैसे आपका थॉट सारे डेवलप होते हैं कैसे आपका विचारधारा बदलता है उसके ऊपर था और एक था कि आपका जो थॉट प्रोसेस है आप जो समझते हो इंडिविजुअल वे से समझते हो वो कैसे बढ़ गया ये दो चीज़ था ठीक है ये दोनों को हमने कर लिया सोसाइटी कैसे बिल्ड कर रहा है और कैसे आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है कैसे आपका कॉग्नेटिव डेवलपमेंट हो रहा है उससे आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर हमने पढ़ लिया इसके बाद आया था स्टेजेस स्टेजेस का शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बोला था अगर किसी को याद नहीं रह रहा है तो एक वर्ड में याद रख लो स्पेसिफिक एस पी सी एफ एस पी सी एफ स्पेसिफिक तो एस फॉर सेंसोरी क्यों मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ बिकॉज ये जो चार स्टेजेस है ना चार स्टेजेस का एज को भी आपको याद रखना है देन स्टेजेस का सिक्वेंस भी आपको याद रखना है तो उससे बेटर क्या होगा कि हम ऐसे याद रख ले कभी हम उसके स्टेजेस को जो सिक्वेंस है ना भूलें तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक तो एज फॉर सेंसोरी मोटर सेंसोरी मोटर स्टेज ये इन्फेंसी पीरियड का था जीरो टू टू ईयर्स का था वैसे प्री ऑपरेशनल है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है एंड फॉर्मल ऑपरेशनल है इतना कल के क्लास में ऑलरेडी डन था आज के क्लास में हम सेंसरी मोटर्स से लेके स्टार्ट करेंगे ओके सेंसरी मोटर से हम स्टार्ट करने वाले हैं तो सेंसरी मोटर जो है ना कौन सा स्टेज है ये पहला स्टेज है फर्स्ट स्टेज है कभी ना पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो स्टडी को एंजॉय करो ठीक है जैसे कोई म्यूजिक को आप एंजॉय करते हो बार बार उसको रिपीटेडली सुनते हो तो यहाँ पे रिपीटेडली सुनने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से सुन के स्टोरी जैसा याद रख लो ठीक है कब हुआ था क्या हुआ था कितने स्टेजेस है उसमें कौन से पॉइंट आ सकते हैं बस इतना याद रखना है ठीक है जो जिनके माइंड में आता है ना मैम इतना रटेंगे कैसे रटना ही नहीं है भाई यहाँ पे रटना ही नहीं है कुछ रटने जैसा है ही नहीं चीजों को प्रैक्टिस करना है बार बार उसको दोहराना है कि एक छोटे बच्चे में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं कौन से चेंजेस को हम क्या बोल रहे हैं कौन साइंटिस्ट ने क्या बोला था कौन से एजुकेशन एजुकेशन ने क्या बोला था तो ये जो पॉइंट जान लो बस हो गया कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सेंसोरी मोटर वर्ड से समझो वर्ड से समझो सेंसोरी मोटर मतलब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं एक है सेंस एक है मोटर ठीक है जो सेंसेस वर्क करते हैं जो सेंसेस वर्क करते हैं उसको हम सेंसरी मोटर बोलेंगे देखो ये अभी छोटा बच्चा है जीरो टू टू ईयर्स है वो क्या स्टार्टिंग डेज पे ही मतलब आफ्टर बर्थ वो रनिंग करना स्टार्ट करेगा वर्क करना स्टार्ट करेगा नहीं सो उसको ग्रो होना पड़ेगा उसके मसल्स में डेवलपमेंट हो रहा है बोन्स में डेवलपमेंट हो रहा है वो तो ग्रो कर रहा है बट उस टाइम तक जीरो टू टू ईयर्स के विद इन जो स्पेसिफिक पॉइंट है जीरो टू वन ईयर का उस टाइम पे बच्चा क्या करेगा क्या वो बोलेगा कैसे वो कॉन्टेक्ट में आएगा कैसे वो कम्युनिकेट करेगा तो उसके लिए उसके सेंसेस 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 हैं क्या है? Sensus. Sensus को हिंदी में हम इंद्रिय बोलते हैं ठीक है सेंसेस को हम इंद्रिय बोलते हैं तो राइट नाउ द सेंसरी मोटर स्टेज स्टार्ट फ्रॉम द डे ए चाइल्ड इज बॉर्न जब वो बॉर्न कर लेता है बर्थ हो जाता है उसका तो उस पीरियड से ये स्टार्ट होता है दैट मीन्स जीरो डेज जीरो डेज ये जीरो डेज से स्टार्ट होगा एंड ये कंटिन्यू करेगा अप टू द चाइल्ड रीज द एज ऑफ टू ठीक है जीरो से दो साल टू जीरो बच्चा जो वर्क करेगा उसी को हम उस स्टेज को हम सेंसोरी मोटर बोलेंगे तो जीरो टू टूर्स का स्टेज है अच्छा मैंने पूछा ही नहीं क्लियर है ना ये सुन लो मैंने पूछा ही नहीं ओके थैंक यू चलो अभी देखो सबसे डिफिकल्ट चीज आ रहा बोलो मैम ये तो पूरा बन गया शतरंज जैसा बन गया है तो ऐसा नहीं है आपको एक के बाद एक स्टेज पे जाना है अभी सोचो आपके बॉडी में छह पार्ट्स हैं सोच लो ठीक है आप डिमांड जो भी था वो अलग चीज है ये डिमांड नहीं है थिंक करने वाला चीज है ठीक है आपके बॉडी में छह पार्ट है और थिंक कर लो आपके पांच उंगलियां नहीं है छह उंगलियां हैं एक हाथ में क्योंकि और एक हाथ आप गिनोगे अभी तो एक पहला जो पॉइंट है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जब मैं बोलूं मन में दोहराओ रिपीट करो माइंड में रिपीट करो या पेंसिल कॉपी uh, पकड़ो एंड लिख लो ठीक है दस बार लिख लो मैम बोलते बोलते दस बार लिख लो प्रैक्टिस हो जाएगा स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन नंबर टू स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन तो नंबर हो गया का है? 8 12 okay. तो बच्चा क्या कर रहा है कोऑर्डिनेट करेगा कोऑर्डिनेट करेगा सॉरी कोऑर्डिनेट करेगा उसके बॉडी मूवमेंट्स होंगे तो स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन देखो स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड यहाँ पे क्या था आपका सेकेंडरी था तो यहाँ पे सेकेंडरी स्कीमाटा स्कीमाटा सेकेंडरी स्कीमाटा नेक्स्ट स्टेज ऑफ टर्शियरी देखो प्राइमरी किया सेकेंडरी किया देन टर्शियरी स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटी स्टेज ऑफ स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटी लास्ट वन जहाँ पे बच्चा सब कुछ इन्वेंट इन्वेंट करना स्टार्ट करता है इन्वेंटिंग करता है, या फिर जस्ट लाइक like, वो डेवलप कर रहा है एक्सप्लोर कर रहा अपने चीजों को न्यू थिंग्स को जस्ट लाइक like, वो टच करेगा उसका मेंटल जो थाट था उसके साथ वो जोड़ेगा जस्ट लाइक सर्कल क्या है ट्राइंगल क्या है या फिर एक बोटल का सेप ऐसा क्यों हो गया एक खाना क्यों ऐसा गोल दिख रहा है देखो क्यों ये जो एज का बच्चा है ये अठारह से चौबीस महीना का है अठारह से चौबीस महीना मतलब डेढ़ से दो साल का है तो दो साल का बच्चा कोई भी खाने को वो अज्यूम कर सकता है पकड़ के देख सकता है समझ सकता है तो ये है स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कंटिन्यूएशन और मेंटल कंटिन्यूस प्रोसेस तो यहाँ पे जो स्टेजेस हो गए पहला आपका पैरों को थिंक कर लो पैरों को स्टार्टिंग पॉइंट हम नीचे से कर रहे हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट है अभी हम पढ़ाई के लिए यूज करेंगे उसको पैरों को थिंक कर लो ये स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है क्या है पहला स्टेज है पहला स्तर है आपका स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन उसके ऊपर आ आ जाओ जाओ थोड़ा नी के पास ठीक है तो ये है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन क्या है आपका स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन उससे ऊपर थोड़ा आ जाते हैं ठीक है ठीके? ये कौन सा स्टेज है ये थाई पोर्शन है ये है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन याद रखना चाहिए किसके बाद क्या आ रहा है इसलिए मैं नीचे से ऊपर तक जा रही हूँ डेवलपमेंट नीचे से ऊपर तक जा रही हूँ मैं ठीक है पैर में था क्या रिप्लेक्स एक्शन देन नी में आया प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में आया सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन वेस्ट पोर्शन में आ जाओ कमर तक आ जाओ स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्टीमाटा स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा उसके ऊपर आ जाओ आपके चेस्ट पोर्शन में आ जाओ गले तक या चेस्ट पोर्शन सोल्डर पोर्शन पे आ जाओ स्टेज ऑफ टेस्टरी सर्कुलर एक्टिविटीज स्टेज ऑफ सर्कुलर एक्टिविटीज़ पूरा डेवलपमेंट हो चुका है अठारह से चौबीस महीना का है अभी बच्चा इन्वेंशन कर सकता है तो इन्वेंशन करने के लिए दिमाग चाहिए तो अपना न्यू थॉट प्रोसेस वो डेवलप कर रहा है एंड तो हर एक चीज के साथ अपना थॉट प्रोसेस को वो कनेक्ट कर रहा है सो so दैट ये है स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन थ्रू मेंटल कंटिन्यूएशन याद रखो पूरा मैं जब ऑफलाइन क्लास में कभी जाऊं तो मैं पूछूंगी सारा चीज अगेन मैं पूछूंगी कौन सा एग्जाम्पल कैसे दिया था मैं सारा पूछूंगी याद रखना बॉडी पार्ट्स को याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे सीक्वेंस किसके बाद क्या आता है कभी नहीं भूलने वाला ठीक है पहला स्टार्ट करते हैं स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को देखो अभी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को हम हाईलाइट करें ये कौन सा बच्चा है मतलब कितने दिनों का बच्चा है दिन का होगा

एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आप आपको मच्छर काटते हैं एक हाथ में मच्छर काटा तो दूसरा हाथ जाके उसको मार देता है, उसी जगह पे कैसे जाना वो वो तो नहीं देख रहा है कैसे जाना ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ही होता है आप जैसे कोई गर्म आयरन है उसको टच कर रहे हो तो क्या होता है फटाक से आपका हाथ आप हटा जस्ट लाइक बर्निंग हो जाएगा ना जल जाएगा मेरा हाथ तो मैं हटा ली तो ये क्यों हुआ आपके रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ही होता है रिफ्लेक्स एक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर न्यूरॉन्स के ऊपर इतना समझ लो और बायोलॉजिकल टर्म्स में नहीं जाते इतना समझ लो कि रिफ्लेक्स एक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है आपके अंदर ब्रेन में बॉडी में पूरे बॉडी पार्ट्स में भी न्यूरॉन्स हैं स्नायु हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है तो एक छोटे बच्चे को अगर एक दिन का भी हो वो ठीक है एक दिन का भी हो तो अगर उसको मच्छर काटता है तो फिर भी वो हाथ पैर हिलाएगा ठीक है उसको अगर किसी ने मारा या कुछ किया उसको चोट लग रहा तो वो फील तो कर सकता है ना वो बोल नहीं सकता वो चल नहीं सकता वो फील कर सकता है तो ये जो फीलिंग आया किसके थ्रू आया रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ही हो रहा है उसके बॉडी में इतना याद रख लें ठीक है जीरो टू थर्टी डेज का बच्चा है एंड रिफ्लेक्स एक्शन ओनली सो कर रहा है जस्ट लाइक like, एक चीज देखो उसको कोई भी स्ट्रांग चीज पकड़ा दो उसके हाथों में वो क्या करेगा सकिंग करना स्टार्ट करेगा चाटना स्टार्ट करेगा या फिर हम बोलते हैं जस्ट लाइक चूसना स्टार्ट करता है तो ये जो चीज़ होता है सकिंग एन ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रांग एक्टिविटी छोटा बच्चा है तीस दिन का बच्चा है जीरो टू थर्टी डेज का बच्चा है इसमें वो कितना एक्टिविटीज करेगा कुछ नहीं ओनली जो आप उसको पकड़ाओगे वो जानता है उसको वो सकिंग कर सकता है जस्ट लाइक like सक करेगा हो गया रिफ्लेक्स एक्शन स्टेज है रिफ्लेक्स एक्शन स्टेज है खत्म पैरों का काम खत्म कर दिया हमने बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग समझ रहे थे ना पैरों का काम खत्म किया अभी कंफ्यूज होके मत बोलना मैम पैरों से क्या सकिंग करेंगे ऐसा नहीं है हमने बॉडी को यूज़ किया क्योंकि हम समझ सके पॉइंट्स को अलग अलग करके देख सके याद रख सके ओनली इतना चीज़ के लिए उसके साथ कोई रिलेटेड वर्क नहीं है अभी देखो आगे बच्चा थर्टी डेज का हो गया मतलब एक महीना उसको पूरा हो गया एक से चार महीने में आ जाओ वन टू फोर मंथ्स वन टू फोर मंथ्स स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन तो हमारा बेसिक पॉइंट क्या था रिफ्लेक्स एक्शन हमारा बेसिक पॉइंट था रिफ्लेक्स एक्शन तो रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे भी काम करेगा अभी तक भी बच्चा चलेगा उसी वर्क पे ही चलेगा एंड बच्चा यहाँ पे उसके फीलिंग्स को चेंज कर रहा है फीलिंग्स को थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस आ रहे हैं उसको हैप्पीनेस आ रहा है उसको हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलता साइलेंट रहता है उसको भूख लग रहा है रोना शुरू करेगा वो एक्सपीरियंस कर रहा है डिफरेंट थिंग्स को अपने रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जो उसके साथ इस थर्टी डेज में बार बार रिपीट हो चुका है उसी चीज़ को वो फील कर रहा है एंड वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर रहा है अभी कोऑर्डिनेशन क्या होता है जैसे देखो मैं अगर बोलूँ कि एक ट्राइंगल बना रहे मैं उतना मैथ्स नहीं जानती फिर भी बोलूँ ट्राइंगल बना रहे तो हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये y है ये x है एक z है ठीक है तो ये दोनों जो लाइन्स है ये दोनों जो लाइन्स है यहाँ पे दो ज्वाइन करें ना दो लाइन्स ज्वाइन करें तो टू लाइन्स यहाँ पे ज्वाइन करके ये पॉइंट बना तो ये होता है कोर्डिनेशन ये होता है कोर्डिनेशन तो यहाँ पे इतना हार्ड वे से नहीं समझेंगे थोड़ा सिंपल करते हैं मदर एंड बेबी का कोर्डिनेशन मदर एंड बेबी का कोऑर्डिनेशन बोला मैंने देखो बेबी सबसे पहले एक छोटा बच्चा सबसे पहले किसको पहचानता उसके मदर को पहचानता है उसके बाद उसके फादर को पहचानता है ठीक है बिकॉज मदर के बॉडी के अंदर रूम के अंदर बेबी रहता था ठीक है रहती थी और रहता था इस वजह से वो बेबी मदर के साथ एक्वेंटेड है तो कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्स एक्शन जो भी वो रिपीटेड वर्क करता है किसके साथ रिलेटेड होगा उसके मदर के साथ जो भी एक्टिविटीज करेगा जो भी एक्सपीरियंस करेगा वो मदर के थ्रू ही करेगा एंड रिपीटेड एक्टिविटीज जो मदर उसके साथ परफॉर्म करे उसके वजह से ही वो एक्सपीरियंस गेन करेगा कितना चीज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन रिएक्शन बोला गया है ठीक है रिएक्शन है ठीक है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन अभी देखो सेकेंडरी में आ जाते हैं एक से चार महीना कंप्लीट हो गया एक से चार महीना के बाद देख लो क्या आता है चार से छह महीना चार से छह महीना ठीक है फोर टू सिक्स मंथ्स फोर टू सिक्स मंथ्स प्राइमरी खत्म हो गया तो हमारा कौन सा स्टेज आ जाएगा अब सेकेंडरी मतलब द्वितीय जो आता है प्रथम जो था वो खत्म या द्वितीय आ गया प्राथमिक खत्म हो गया ये द्वितीयता आ गया अभी द्वितीय सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन टच द ऑब्जेक्ट एंड दे थ्रो देम हेयर एंड देयर समझ गए बच्चे कोई चीजों को हाथ में पकड़ते हैं खिलौना दे दो कुछ भी दे दो चॉकलेट्स दे दो कुछ भी दे दो चार से छह महीना का बच्चा है ना इधर वो थोड़ा बहुत सक करेगा उसको अगर अच्छा नहीं लगा वो इधर उधर फेंक देगा चीजों को ठीक है इमेजिन करते चलो बच्चों को इमेजिन करते चलो समझ जाओगे ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रेन टच द ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ों को वो टच करेगा एंड इधर उधर फेंकेगा यह है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन चार से छः महीने का इसी एक एक जो पॉइंट को इतना एग्जाम्पल के साथ बोला जा रहा है ये आपके एम में आ जाते हैं ऐसे एक एग्जाम्पल दे देगा एंड पूछेगा ये कौन सा स्टेज है हो गया सेंसरी मोटर का कौन सा स्टेज है ये ऐसे पूछ लेगा अभी देखो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज को मतलब हम कहा तक चले गए थाइस पोर्शन तक हमारा कंप्लीट हो गया पहला हो गया रिफ्लेक्स एक्शन फिर हो गया प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन देन आ गया सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन अभी हम चलते हैं फोर्थ स्टेज पे स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा अच्छा फर्स्ट तो थिंग है कि स्कीमाटा होता क्या है ये स्कीमाटा स्कीम के साथ जुड़ा हुआ है क्या हम बोल सकते हैं हाँ थोड़ा बहुत स्कीम क्या है अभी स्कीम होता है वन काइंड ऑफ कोई भी एक प्रोपोजल जैसा ठीक है कोई भी एक प्रोपोजल जैसा आपके माइंड में बहुत सारे प्रोपोजल्स आते हैं ये प्रोपोजल्स मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज बेस्ट होते हैं ठीक है इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कोई भी इंफॉर्मेशन और आइडिया उस थॉट के ऊपर या उस प्रपोजल के ऊपर अगर अपने माइंड में रखते हो एज एन एक्सप्रियस दैन इसको हम स्कीमाटा बोलेंगे स्कीमाटा में क्या होता है कि छोटे छोटे नॉलेज यूनिट्स होते हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन पैकेट बन के अपने मेमोरी में स्टोर हो जाता है इसी को हम स्कीमाटा बोलेंगे ये एक सिंपल चीज़ है ये एक नॉलेज यूनिट है जैसे बॉडी में सेल को हम फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो वैसे ही बॉडी में अगर मेमोरी सेल को कहीं पर स्टोर करना है तो वो पार्ट है हमारा ब्रेन एंड कौन से वे से स्टोर होता है स्कीमाटा uh, बन के स्टोर होता है अभी स्कीमाटा को हम स्कीमा भी बोलते हैं स्कीमाटा और स्कीमा भी बोला जाता है ठीक है ये पूछा जाता है एवरी टाइम शॉर्ट क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है एग्जाम्स में कि वट डू यू मीन बाय स्कीमा क्या समझते हो स्कीमा से मैंने आपको पॉइंट बता दिया एंड आप उसको

में जाना चाहता है या फादर के साथ घूमना कुछ भी छोटे छोटे एक्टिविटीज उसके गोल्स है तो वो डिफ्रेंसिएट करना स्टार्ट करता है कि उसके सराउंडिंग में कितने पर्सन है कौन कौन है कौन अपना है कौन पढ़ाया है कौन सा गेम किसके साथ खेल सकते हैं कैसे रह सकते हैं कौन सा खाना कहाँ से मिलेगा ये छोटे चो छोटे-छोटे होते हैं, ये बच्चा आठ से जो बारह महीने का है वो जान जाता है एंड इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किसका हुआ जो सेकेंडरी एक्टिविटीज था जो बच्चा पहले चीजों को फेंकता था इधर उधर उसी चीजों के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन उसको मिला उसी को वो जोड़ते हुए अपने एक्टिविटीज को करेगा एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा ये हो गया आपका कौन सा 8 से 12 महीना का बच्चा अभी देखो 12 से 18 चलता है मतलब एक साल से डेढ़ साल का बच्चा है एक साल से डेढ़ साल का बच्चा है तो इस स्टेज में बच्चा क्या करेगा स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटीज टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटीज सो तो इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय ट्रायल एंड एरर मेथड अभी बोलते हैं बहुत सारी चीजें हैं पे

बार बार रिपीट भी करते हो तो ये जो रिपीटेशन होता है ना इसी को हम बोलते हैं ट्रायल एंड फिर फिर है, तो है? हो जाएगा या फिर हम क्या क्या सीख सकते हैं तो ये होता है कि इन दिस स्टेज इस स्टेज पे इस स्तर पे चिल्ड्रन बच्चे लर्न करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट जैसे एक ट्राइंगल है ट्राइंगल के क्या क्या कैरेक्टर है ट्राइंगल एक कैसे जगह में फिट हो सकता है क्यों हम ट्राइंगल को सर्कल नहीं बोलते तो ये जो कैरेक्टर्स है वो बार-बार ट्राई एंड एरर जो ट्रायल एंड एरर मेथड है उसके थ्रू सीखता है तो ऐसे डिफरेंट चीजें हैं मैंने एक एग्जांपल दिया बस ठीक है अभी चलो ऊपर लास्ट वन में आ गए 18 से 24 महीना का अठारह से चौबीस महीना का है अभी देखो एटीन टू ट्वेंटी फोर मंथस का है मतलब डेढ़ साल से दो साल का बच्चा तो यहाँ पे तो बच्चा पहले ही बोल दिया कि स्टेज ऑफ इन्वेंशन है देखो अभी ब्रेन तक पहुँच गए हैं हम स्टेज ऑफ इन्वेंशन है बच्चा यहाँ पे अपने नॉलेज को मेंटल जो प्रोसेस है नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस मेंटल एक्टिविटीज उसको जोड़ रहा है अपने न्यू इन्वेंशन के साथ बच्चा जब ना छोटा रहता है आप बोलोगे क्या बच्चा इन्वेंट कर रहा है नया नया चीजें वो एक्सप्लोर करता है इस कलर को रेड बोलते हैं ये चीज एक सर्कल है ये गाड़ी को ऐसे चलाओ तो आगे बढ़ जाता है है ना टीवी ऐसे चलता है एसी को ऐसे ऑन करते जो छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं जो छोटे छोटे वो स्टेप्स लेता है इन्वेंट करता है तो उसी को हम इन्वेंशन बोलते हैं न्यू चीजें वो क्या क्या उद्भावन कर लिया उसको बढ़ा लिया वो एक्सप्लोर कर लिया एंड ये किस लिए पॉसिबल होता है उसके मेंटल कंटिन्यूएशन प्रोसेस के थ्रू तो चाइल्ड स्टार्ट्स चाइल्ड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है क्या अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेगा द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज ऑलरेडी सीन ऑब्जेक्ट्स इन देयर एब्सेंस उसके सामने जो चीजें है नहीं प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसके आसपास है फिर भी उसके आसपास है या उसको हेल्प कर रहा है उसको कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उस चीजों को वो क्या करता है एक्सप्लोर करता है जैसे कि बच्चे या हम सन को टच कर सकते हैं क्या अरे भाई जल जाएंगे हम लोग तो उतना टेम्परेचर हम नहीं सह सकते है ना तो टच नहीं कर सकते बट सन होने से ही निकलने से ही डे होता है एंड सन के वजह से ही नाइट भी होती है है ना हम रिवॉल्व कर रहे हैं एंड सन के वजह से हमें टेम्परेचर मिल रहा है हम इतना सारा काम कर रहे हैं तो छोटा छोटा, छोटा चीज वो एक्सप्लोर करता है पानी में फिश रहता है मछलियाँ रहती हैं तो वो क्यों रहती हैं क्यों मछलियाँ मतलब सॉरी अर्थ पे नहीं रह सकती जैसे लैंड एरिया में नहीं रह सकती अर्थ बोल रही लैंड में नहीं रह सकती वो तो वाटर में भी वाटर तो आता ही है अर्थ के अंदर सॉरी वो लैंड में क्यों नहीं रह सकती तो ये जो छोटा छोटा पॉइंट है वो एक्सप्लोर कर रहा है तो ये पॉइंट्स को हमने क्या बोला स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन थ्रू मेंटल कंटिन्यूशन ओके तो इतना प्रोसेस था पहला चीज कि हमने क्लियर किया सेंसुरी मोटर में sensory motor ऐसा स्टेज है और एग्जाम हॉल में आप लोग कंफ्यूजन जो आता है ना कि मैम हम लोग ऐसे लिखेंगे अभी भी कुछ बच्चों को आएगा कि मैम हम लोग एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे क्या लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है क्योंकि ऐसे लिखते से क्या होगा आप कंपेयर करते हुए एक के बाद एक सिक्वेंस में आ सकते हो ठीक है जिसको और भी अगर बेटर लग रहा है कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे हम हेडिंग हेडिंग देते देते हुए छोटे -छोटे देते हुए छोटे-छोटे से वन वन नॉर्मली लिखेंगे तो लिख सकते ऐसे भी लिख सकते सकते हो हो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बस हेडिंग्स हेडिंग्स को को कर कर लेना दिस इज yes no? प्री ऑपरेशनल स्टेज पे हैं स्पेसिफिक याद है एस पी सी एफ तो प्री ऑपरेशनल स्टेज स्टेज फर्स्ट थिंग। दिस बिटवीन, में होगा कौन सा एज रेंज है हमारा टू टू सेवन ईयर्स टू टू सेवन ईयर्स ऑनली हाँ इसके अंदर हो जाएगा इन दिस स्टेज क्या क्या होता है देखो चाइल्ड रिप्रेजेंट्स नॉलेज थ्रू नॉलेज सिग्नल एंड इमेज ठीक है नॉलेज को वो कैसा समझता है या कैसा रिसीव करता है नॉलेज के थ्रू भी रिसीव कर सकता है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को सिग्नल जैसे भी वो रिसीव कर सकता है या फिर इमेज देख के भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है सपोज वो, वो रास्ते पे है एंड uh, आपने फॉर द फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को बताया कि ये जेवरा क्रॉसिंग है है ना तो जेबरा क्रॉसिंग है क्या वो सिर्फ इतना समझ रहा है क्योंकि yes, ये जेबरा प्रिंट का, का भी है प्लस हम इसको इसलिए यूज करते हैं तो ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन उसको मिल रहा है थ्रू नॉलेज सिग्नल एंड इमेज सिग्नल आपको समझ आ गया कुछ एक्टिविटीज में हम सिग्नल यूज करते हैं राइट सो यहाँ पे हम अच्छा देखो अभी तीन इसके एस्पेक्ट्स हैं जस्ट लाइक डेवलपमेंटल पढ़े थे फर्स्ट हमने पढ़ लिया फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल सारा पढ़ लिया लैंग्वेज एंड लास्टली ये सब का मिला जुला है बिहेवियर राइट माइक थोड़ा ऑफ कर लेना प्लीज ओके okay. अच्छा देखो तीन एमसीक्यूज बहुत बार आ चुके हैं बहुत बार आ चुके ये तीन स्टेज और कोई अलग स्टेज में नहीं होता है इट इज ऑनली फॉर दिस स्टेज ये जितने भी पॉइंट्स हैं जितने भी थ्री पॉइंट्स हैं दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टेज इसी स्टेज के लिए है और कोई स्टेज में ये नहीं होगा और कोई थ्योरी में भी ये नहीं है बस पियाजेस के कंसेप्ट में ही है क्या है फर्स्ट आपको ना याद रखने के लिए याद रख मतलब बोल देती हूँ शॉर्टकट ई e ए सी ए सी तो याद रहता है ये ना ई e लगा लो बस ई ए सी ठीक है, सो इगोसेंट्रिजिम सेंट्रेशन ईगोसेंट्रिज एनिमिज एंड सेंट्रेशन अभी बोलोगे हिंदी बच्चे कि मैम ये सारा इंग्लिश में ही करे क्या वर्ड्स अच्छे हैं आपके ना हिंदी बुक्स में भी देखो सेंट्रेशन को क्या बोला जाते? हैं केंद्रित बोलते हैं हम लोग सेंट्रेशन किसी चीज के ऊपर केंद्रित हो जाना एक ही चीज पे रह जाना एक हिसाब से रह जाना एनिमिज्म जो रियल नहीं होता है फिर भी हम रियल मानते हैं उसी को हम एनिमिज्म बोलते हैं तो बच्चों के लिए डॉल्स हो गए कार्टून हो गए जो वो ना कार्टून से बातें करते हैं टॉम एंड जेरी देख के बहुत हैप्पी हो जाती है स्टिल मैं भी हैप्पी हो जाती हूँ बिकॉज मुझे अभी भी पसंद है तो हम लोग बच्चे नहीं है बट बच्चों का हम बोल रहे हैं एंड ईगो बच्चा बहुत ही इकोस्टिक होता है बचपन में ठीक है दो से सात साल का बच्चा है उसको बोल दो ये मेरा बुक है तो वो रो दो के स्टार्ट कर ये मेरे लिए आया है मेरा बुक है मेरे पेरेंट्स है मैं किसी को नहीं दूंगा उसके लिए एक चॉकलेट दे दो इवन उस चॉकलेट पैकेट्स में दस चॉकलेट्स हो फिर भी वो किसी से शेयर नहीं करेगा समझ रहे हो इगो तो द स्टेज इन व्हिच इन व्हिच ए चाइल्ड कैन नॉट थिंक फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू और अदर्स व्यू पॉइंट मतलब देखो अभी आप लोग बड़े हो तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई थोड़ा समझना मुझको या फिर मेरे जगह पर रह के थोड़ा देख ऐसे बोल देते ना छोटे बच्चे को हम बोल नहीं सकते तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझता है जो वो देख रहा है जो वो समझ रहा है वो सब उसका है वो इगोस्टिक होता है ठीक है वो किसी के व्यू पॉइंट से नहीं सोच सकता किसी भी अदर पर्सन का जो थिंकिंग है थॉट है वो नहीं समझ सकता वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है इसलिए इसको ईगो सेंट्रिज बोलता है ठीक है फर्स्ट स्टेज ईगो सेंट्रिज्म अंडर प्री ऑपरेशनल स्टेज ये फर्स्ट पॉइंट गया सेकेंड पॉइंट एनिमिज्म में बोल चुकी ये टर्म डिस्क्राइब फेनोमेना कौन सा फेनोमेन को समझा रहा है चिल्ड्रन जो टॉयज है खिलौने हैं उसके वो सारे ह्यूमन है वो रियल है एंड ह्यूम है ठीक है जैसे देखो कार्टून्स को वो रियल मान रहा है बातें कर रहा है एंड इवन उसका जो डॉल रहेगा या फिर टॉय रहेगा वो थिंक करेगा ये गाड़ी चल रहा है ये टॉय बोलती है आ, या फिर टॉय बोलता है ये टेडी को भूख लगा है इसको भी खाना दो मम्मी ऐसे बोलते हैं ना तो ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स है ये एनिमिज्म है क्या है एनिमिज्म है मतलब वो अपने सपनों की दुनिया में है वो सारी चीज़ों को रियल थाट रहा है वो थिंक कर रहा है कि ये सारे रियल है सारी चीज़ें रियल है ठीक है नेक्स्ट आता है सेंट्रेशन एक ही चीज से गुजरना मतलब एक ही चीज पे अटक जाना सोच लो सो टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन नेग्लेक्ट अदर पॉसिबल रिलेवेंट एक्सपेक्ट तो अभी क्या बोल रही हूँ कि सोचो आपको मैंने प्रॉब्लम में डाला तो आप तो बड़े हो चुके हो तो आप इस प्रॉब्लम को दस वे से सॉल्व करने को ट्राई करोगे एवरी डायरेक्शन से आप ट्राई करोगे अरे भाई तुम हेल्प कर दे तुम हेल्प कर दे थोड़ा सा आइडिया ले लो किसी से प्रीवियस एक्सपीरियंस से हेल्प कर लो बट बच्चों के पास कुछ भी नहीं है है ना छोटे हैं तो वो एक ही पॉइंट से सोच सकते हैं चीज़ों को दूसरा पॉइंट तो सोच ही नहीं सकते तो एट ए टाइम वो मल्टीपल वर्क्स पे ध्यान नहीं दे सकते एक ही पॉइंट पे ध्यान देते हैं जो बच्चे इसके अंदर भी कुछ बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनका ब्रेन एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाता है या एक्स्ट्रा वर्क करता है तो वो सारे टैलेंटेड बच्चे वो मतलब बोल सकते हैं कि लाखों में एक आते हैं ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा लाखों में एक जो आता है ठीक है, है वो मल्टीपल थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं एंड मल्टीपल वर्क को एट ए टाइम करते हैं वो मल्टी फंक्शनल बच्चे होते हैं एंड ये जो बच्चे हैं एट ए टाइम एक ही फंक्शन पे वर्क करेंगे वो और एक जो चीज़ है उसको नहीं समझ पाएंगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम को एक तरह से वो फोकस करें दूसरे पॉइंट्स को वो निगलेक्ट कर देंगे तो इसको बोलते हैं सेंट्रेशन एकक के हिसाब से चलना मतलब एक एक चीज़ को देखना दूसरे चीज़ों को हम उस पॉइंट पर नेग्लेक्ट कर देंगे ठीक है अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल का दो पीरियड भी हमने मेंशन कर दिया है जो आपके बुक में मेंशन नहीं है लगभग वह मेंशन नहीं है पुराने बुक में था न्यू बुक मैंने नहीं देखा सो पुराने बुक में ये थोड़ा सा मेंशन था बट न्यू बुक में नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है सो प्री ऑपरेशनल स्टेज में दो पीरियड आते हैं दो पीरियड आते हैं एक है प्री कंसेप्शनल पीरियड दूसरा है इंटुटि पीरियड ठीक है इंट्विटिव पीरियड है एंड प्री कंसेप्शनल पीरियड है अभी देखो प्री कंसेप्शनल देखो कोई भी चीजों को वाइज माइंड में लेने से पहले का स्टेज प्री कंसेप्शनल पीरियड तो इसका रेंज क्या है देखो दो से सात था ना टू टू सेवन था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो एक है दो से चार जाना है दो से चार और एक में चार से सात जाना है चार से सात ठीक है ओके सो सॉरी ट्रेन जा रही है ओके okay, चलो तो रेंज इसका क्या है प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड दो से चार साल का बचा है ठीक है यहाँ पे बच्चा क्या कहता है पता है क्यों इसको कोरा कागज ब्लैंक है तो आपसे ही जैसे समझ लो कि मेरा अगर बेबी होता तो वो मुझे को ही करेगा वो ट्राई करेगा कि मदर जो कर रही है या फादर जो कर रहा है वैसे ही चीज करे तो इसको बोलते हैं इमिटेशन कॉपी करना कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट इमिटेशन ठीक है क्या है इमिटेशन करना मतलब मैं आपको देख के आप ही का ही नकल उतारूंगी तो ये होता है नकल उतारने वाला स्टेज जहाँ पे बच्चा नकल उतारना सीख रहा है तो ये है इमिटेशन एंड इस टाइम को इस पॉइंट को बोला जाता है कि देयर एज करेक्ट उस टाइम में का जो भी आंसर होता है ना उसको हम हा हा मार देते हैं तुम सही बोल रहे हो बच्चा तुम सही बोल रहे हो हर एक चीज सही है सूरज आ, मतलब कहाँ पे है सूरज धरती पे आ गया है सूरज नीचे ऐसे ही डूब रहा है हम बोल दे रहे तो वो बोलेगा अगर वो बोलता है ये चीज हाँ वो भी चीज है सारे चीज हाँ है उसका आंसर्स को हम करेक्ट बोल देते हैं उसको हैप्पीनेस देने के लिए तो ये है प्री कंसेप्शनल पीरियड बिकॉज उसको कंसेप्ट कुछ भी नहीं पता उसको कोई आइडिया नहीं है अभी देखो इंटी पीरियड यहाँ पे बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है एंड वो लर्न कर रहा है वेरियस थिंग्स को स्पेशली लैंग्वेज को स्पेशली लैंग्वेज को बिकॉज बच्चा यहाँ पे स्टार्ट करेगा अपना लॉजिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग लगा रहा है थिंकिंग प्रोसेस में उसका डेवलपमेंट हो गया थिंकिंग को हिंदी में बोलते हैं चिंतन भाई चिंतन ठीक है अमूर्त चिंतन होते हैं मूर्त चिंतन होते हैं मूर्त अमूर्त ठीक है किसी चीज को लॉजिकल थिंकिंग करना इलॉजिकल थिंक करना वो लॉजिक अगर किसी चीज में लगा रहे हो कि हाँ ये सच हो सकता उसका प्रूवन कुछ इन्फॉर्मेशन है देन वो लॉजिक है बच्चा यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉजिक सीख रहा है थिंक करना शुरू कर रहा है बच्चा लैंग्वेज को भी डेवलप कर रहा है लैंग्वेज से वो बहुत कुछ क्या कर सकेगा जान सकेगा बहुत सारे वर्ड्स जान सकेंगे हमने एक पॉइंट भी बताया था कि बच्चा अभी छोटा है तो पहला छोटा बच्चा एक एक वर्ड को बोलना शुरू करेगा आफ्टर दैट जैसे वो दो साल का हो जाता है तो ऑलमोस्ट उसके पास नियर अबाउट बोलो तो आ,

दिस इज दर्ड स्टेज ये थर्ड स्टेज है एट दिस स्टेज ये चाइल्ड हु इज बिटवीन द एज ग्रुप कौन सा एज ग्रुप में रहेगा थिंक कर लो ये लेटर चाइल्ड हुड पीरियड है तो so, लेटर चाइल्ड हुड पीरियड मीन सात से बारह साल का बच्चा है सेवन टू ट्वेल्व इयर्स एज रहेगा एंड क्या कर रहा है बच्चा क्या क्या सीख रहा है लर्न क्या लर्न learn करेगा लर्न कंजर्वेशन किसी चीज को कंजर्व करके अपने अंदर रखना है प्रोटेक्ट करके रखना है ठीक है एंड क्या है रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी देखो पहले बच्चा क्या कर रहा था एक चीज को सुनता था वो जो सुन रहा है उसी को कॉपी करता था अभी बच्चा खुद से थोड़ा सा लॉजिक तो सीख रहा है ना लॉजिकली थिंक करके उसको रिवर्स करके भी बता सकता है जैसे कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बोला आप डेवलप्ड हो चुके सात से बारह साल का हो गया हो थिंक कर लो तो आप मुझे रिवर्सली आंसर दे सकते हो हाँ ये चीज ऐसा होगा ये चीज ऐसा है हमने यहाँ से पढ़ा है

पहला जो पॉइंट था बहुत बच्चों को आएगा मैम लॉजिक तो वहां पे भी यहाँ पे भी है तो दो लॉजिक के अंदर डिफरेंस है वहां पे पहले थॉट प्रोसेस के लिए लॉजिक लगा रहा था कि ये चीज इसके साथ जुड़ सकता है सर्कल का से ऐसा हो सकता है ये ट्राइंगल का सेप ऐसा हो सकता है एंड सर्कल ट्राइंगल अलग होते हैं हम डिफरेंट वेज में उसको यूज करते हैं उसके कैरेक्टरस्टिक्स को पूरा बिल्ड करेगा एंड डिफरेंट वर्क में उसको यूज करेगा वो चीज कर रहा था प्री ऑपरेशनल में कॉन्क्रीट में ये प्रॉब्लम ऐसा है इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे रीजन है ये रीजन है उसका हमें क्या करना है ये रीजन क्यों है ना इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आए उसको हम लॉजिकली सोच के सॉल्व करेंगे तो दो जगह पे लॉजिकल वर्ड यूज हुआ है वहां पे पे स्टार्टिंग हो हो रहा है रीजन रीजन लॉजिकली लॉजिकली मतलब कोई भी चीज का reason निकाल रहे सोच के अबाउट ऑब्जेक्ट और इवेंट कोई भी काम हुआ है उस इवेंट का या कोई भी ऑब्जेक्ट का ठीक है समझ आ गया चार पांच वर्ड्स रहते हैं उसी को हाईलाइट करके समझ लो याद रख लो हो गया कंजर्वेशन रिवर्सिबिलिटी डिसेंट्रेशन Logical reasoning, खतम. ये जो पांच पांच नहीं, चार है, उसमें कंजर्वेशन रिवर्सिबिलिटी हो गया ऑपरेशनल स्टेज का concrete operational stage का। इसमें बच्चा दो से सॉरी दो तो सात से बारह साल का है दो से सात साल का खत्म हो गया जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड था वो प्री ऑपरेशनल में आ गया ये लेटर चाइल्डहुड पीरियड आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में अभी देखो नेक्स्ट फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड ये लास्ट एंड फाइनल स्टेज है फोर्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी फोर्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी तो इन दिस स्टेज ये चाइल्ड कैन थिंक डीपली अबाउट कंक्रीट इवेंट एंड कैन रीजन एब्स्ट्रैक्टली एब्स्ट्रैक्टली मतलब एक एक पॉइंट को निकाल के जैसे सोच लो ना एक आपने क्या किया है बहुत सारे कपड़ों का गुच्छा बना लिया है. ठीक है या फिर नॉट बांध लिया बहुत सारे थ्रेड्स को आपने जॉइंट कर लिया एंड एक नॉट बांध लिया है यहाँ पे नॉट बांध लिया तो बच्चा इस थ्रेड को खोल के अलग कर सकता है इस थ्रेड को खोल के अलग कर सकता है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब बच्चे ग्रुप में नहीं एक एक चीज को अलग अलग करके देख सकता है उसको सोच सकता है समझ सकता है तो हम उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और रीजनिंग एब्स्ट्रैक्टली, रीजनिंग एब्स्ट्रैक्टली, कोई भी पॉइंट को वो पकड़ के क्यों ये पॉइंट आया किस लिए आया उसका रीजन ये है तो उसके अंदर क्या पॉइंट आ रहा है क्या उसका इंपॉर्टेंस है उसको समझ सकता है देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज था पहले तो बच्चा छोटा था तो जो जो चीज़ें समझ रहा था पकड़ रहा था टच कर रहा था फेंक रहा था वही चीज़ हो गया उसके बाद बच्चा ने लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट किया बट कुछ कुछ थॉट प्रोसेस के रिलेटेड जो वो समझ रहा सुन रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसके बाद बच्चा ने लॉजिकल लगाया रीजन आउट करने के लिए कोई चीज़ों को समझ के अलग अलग करने के लिए क्यों ये चीज़ ऐसा है लास्टली बच्चा ने रीजनिंग किया बट एब्स्ट्रैक्टली किया कि उसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जानने के लिए एब्स्ट्रैक्टली एब्स्ट्रैक्टली पे बच्चा abstractly कोई भी इवेंट का कॉन्क्रीट इवेंट का डीपली थिंक uh, करके थॉट निकाल के वो समझ सकता है अभी देखो स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ठीक है स्टेप्स क्या है तो स्टेप्स में ना दो वर्ड आते हैं एडेप्टन एंड ऑर्गेनाइजेशन अभी ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संस्था हाँ हिंदी में हम लोग सिंपल बोले तो संस्थाएं होती है, बुला हैं ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है तो ये संस्था नहीं है यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़े हुए हैं तो इसके लिए हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते हैं एंड क्या बोला गया एडाप्टेशन आप किसी चीज को एडप्ट कर रहे हो एडाप्टेशन करना है ठीक है तो यहाँ पे देखो एक्चुअली होता क्या है डायग्राम है कुछ सब स्टेसेस है उसके थ्रू मैं समझाऊंगी पहले तो ये दो वर्ड समझ लो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन कहाँ सुने हो बताओ कहाँ भी एक बताओ accommodation word कहां सुने हो? हाँ बोलो पड़ बोलो बोलो फटाफट एकोमोडेशन वर्ड सुने हो कि नहीं सुने हो अच्छा कहीं पे हाँ कहीं पे हम घूमने जाते हैं तो वहां पे रहता है एकोमोडेशन वर्ड आता है सुने यहाँ पे एक है यहाँ रह सकते हो हाँ खाना मिल जाएगा ये 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 एकमोडेशन फ्री लिखता है ना हाँ तो ये सोच लो उस वर्ड के रिलेटेड सिर्फ सोच लेना मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कैसे याद रखो कि यहाँ पे थोड़ा अलग आएगा एसिमिलेशन एसिमिलेशन का सिंपल वर्ड है गैदर करना कोई चीज़ को गैदर करना किसी भी चीज़ को मैं आपको बोली आज का खाना ये बनाना है तो आप पहले सब्जी निकाल लो जो जो चाहिए इस खाने को बनाने के लिए एंड उसको काट के सब कुछ रेडी कर लो तो आपने जो सब्जी निकाला ये सारे सब्जी इसमें चाहिए एंड कटिंग किया एंड अलग से रखा तो ये हो गया एसिमिलेशन ठीक है एसिमिलेशन के बाद होता है एकोमोडेशन कैसे होता है अभी देखो एसिमिलेशन इज सच ए प्रोसेस इन व्हिच द चाइल्ड टेक्स द हेल्प ऑफ अर्लियर लर्नड स्ट्रेटजीज इतना समझ लो पूरा नहीं समझना पड़ेगा बस एक लाइन समझ लेना ज्यादा नहीं चाहिए इस एक लाइन को समझ लो कंप्लीट लाइन को एक बच्चा क्या कर रहा है कि अपने अर्लियर जो पहले उसके माइंड में स्ट्रेटजीज हैं जो पहले से उसके माइंड में नॉलेज है या स्ट्रेटजीज है उसको वो यूज़ कर रहा है उसको वो यूज़ कर रहा है फर्दर कोई भी न्यू नॉलेज को लेने के लिए सपोज ये उसका माइंड है ठीक है इसमें पहले से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है अभी ये जो जगह खाली है यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन आएगा मैं यहाँ पे एंड लिखती हूँ न्यू इन्फॉर्मेशन इस न्यू इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए उसने अपना ओल्ड एक्सपीरियंस को या इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया ओल्ड इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को उसने यूज़ किया

accommodation is that process that which occurs when the pre learned strategies or mental processes are not workable matlab मतलब wo work nahi kar raha hai aapke paas hai old knowledge already hai but aap old knowledge ko use nahi kar sakte वो functionless हो गया है वो काम ही नहीं है मतलब वो काम में नहीं आ रहा है तब उस जगह पे क्या हो जाएगा ब्लैंक हो गया

आपको एसिमिलेशन का पॉइंट बोला था उसके बाद एकोमोडेशन आया तो एकोमोडेशन एक ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ पे जो आपका प्री लर्न स्ट्रैटेजीज है या फिर एक्सपीरियंस है वो काम नहीं आता है पहले से जो मौजूद है ऑलरेडी प्रेजेंट है वो काम नहीं आता वो वर्केबल नहीं है तो जो वर्केबल नहीं है तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे दैट मीन्स वो ब्लैंक हो गया अभी ब्लैंक जगह पे हमें न्यू इन्फॉर्मेशन को देना है न्यू इन्फॉर्मेशन देना है तो देखो मैं दो चीज़ बना रही हूँ आपको आपको और भी फिक्स करने के लिए ठीक है सपोज आपका एक घर है आपका जमीन है वहाँ पे आपने घर बनाया हुआ था तो अगर इस घर को आपने और थोड़ा मॉडिफाई करके इसके साथ और एक छोटा घर बना दिया एंड इसको न्यू घर हमने बोल दिया एक साथ कनेक्ट कर दिया तो ये हो गया एसिमिलेशन क्योंकि एक ही जगह पे आप पहले जो प्रेजेंट था उसको आपने यूज किया और एक नया कुछ ऐड करने के लिए तो ये एसिमिलेशन है एक जगह पे आप जोड़ रहे हो बट एक्मोडेशन क्या है जो पहले से जमीन था ठीक है उस उसपे घर भी बनाए हो बट वो घर और अच्छा नहीं लग रहा टूट चुका है टूट चुका है टूट चुका, चुका है तो फंक्शन लेस हो गया तो उसको हम क्या करेंगे क्लियर करेंगे ठीक है उसको हम क्लियर करेंगे क्लियर करने के बाद इस पर नया घर बनाएंगे नया आइडिया को लेंगे और नया घर बनाएंगे तो अभी सोच रहे हो समझ रहे हाँ एसिमिलेशन मतलब न्यू ओल्ड सब रहेगा एकोमोडेशन मतलब ओनली न्यू रहेगा ओल्ड फंक्शन नहीं करेगा इतना चीज है ठीक है अच्छा देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने स्कीमास जो वर्ड था स्कीमास को पढ़ लिया है पियाजे पियाजे का जो कंसेप्ट है स्कीमास के वेस्ट है तो स्कीमास क्या होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स हैं इंटेलिजेंट बिहेवियर का या नॉलेज का सिंपली बोल सकते हो आर द नॉलेज यूनिट्स ये नॉलेज यूनिट्स हैं या फिर बोल सकते हो कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जैसे आपको घर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए ईटा चाहिए ब्रिक्स ब्रिक्स चाहिए अभी ब्रिक्स नहीं होगा तो हम घर नहीं बना सकते जो मार्बल का है या फिर बड़े बड़े इमारत हैं वो नहीं बना सकते ना तो ये छोटे छोटे जो ब्रिक्स होते हैं उसको सोच लो यहाँ पे हमारा जो दिमाग का ब्रिक्स है घर है दिमाग का घर कैसे बनेगा स्कीमा के थ्रू बनेगा तो स्कीमा सारे बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स है इंटेलिजेंट बिहेवियर के जिसके थ्रू आप नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हो एक के बाद एक नॉलेज को आप ऑर्गेनाइज करते हो और इसके थ्रू आगे बढ़ते हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन दिया गया है एग्जाम्पल में एक पर्सन के बारे में दिया गया ए पर्सन माइट है स्कीमा अबाउट अबाउट ए मील इन ए रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट में वो गया है एक बच्चा या एक पर्सन वो जाके वहाँ का खाने के बारे में उसको आइडिया है तो उसने उसी खाने को ऑर्डर किया क्यों उसको पता है उसका टेस्ट कैसा है उसको पता है कि इसका बिल कितना है उसको पता है कि ये वेज है या नॉन वेज है इसलिए उसने उसी को ऑर्डर किया तो उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके पास नॉलेज है आइडिया है उसी को हमने स्कीमा बोला एक छोटे से वर्क के लिए जो भी यूनिट्स हैं जो इंफॉर्मेशन है जो यूनिट्स हैं इंफॉर्मेटिव यूनिट्स उसको हमने यूज़ किया यहाँ पे तो ऐसे देखो आपको सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जाम्पल्स नहीं हैं आप कोई भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो बी में हो जो भी आपको समझ आ रहा है बच्चों के रिलेटेड आप एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हो लोगों के रिलेटेड ले सकते हो एंड एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर दो उसके कंसेप्ट को लेके ये ओ क्या है आप बोलोगे कि ये प्याजेज की कंसेप्ट में जो एग्जाम्पल्स हैं वो मेरा है क्या प्याजे का है ये मेरा एग्जाम्पल्स है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप आपका खुद का एग्जाम्पल देते हो प्याजे के कंसेप्ट के साथ रिलेट करते हुए समझाने के लिए तो इट्स बेटर और भी अच्छा है अभी देखो प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन स्टेज आपको पता चल गया एसिमिलेशन पता चल गया एडाप्टेशन मैंने बोला कोई चीज को रिसीव करने को एडाप्टेशन बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो नॉलेज यूनिट को हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ओल्ड एंड न्यू नॉलेज को हम यहाँ पे सजा रहे हैं सजा के रख रहे हैं अपने ब्रेन में उसको हमने स्कीमा बोल दिया अभी देखो इस स्टेज को कैसे लिखते हैं ऐसे ये डायग्राम समझ लेना so, पहला स्टेज हमारा क्या था ओके okay, पहला स्टेज हमारा क्या था एसिमिलेशन था ठीक है पहला स्टेज क्या है एसिमिलेशन है जहाँ पे ओल्ड नॉलेज है प्लस न्यू नॉलेज ओ एन ओल्ड नॉलेज भी है न्यू नॉलेज भी है ठीक है एसिमिलेशन के बाद अंदर जाते हैं तो दैट इज इक्विलिब्रियम देखो पहले आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाओ खड़े हो जाओ एंड वहाँ पे सोच लो आपके पास दोनों टाइप के नॉलेज है ओल्ड नॉलेज भी है प्लस न्यू नॉलेज भी अभी आप क्या करोगे बैलेंस क्रिएट करने को ट्राई करोगे बैलेंस यू नीड टू बी अ बैलेंस स्टेज आपको एक बैलेंस स्टेज चाहिए ठीक है ना तो इस बैलेंस स्टेज में ओ एंड एन ओल्ड भी है पुराने नॉलेज भी है न्यू नॉलेज भी है आइडियाज दोनों टाइप के हैं तो equilibrium हमने बैलेंस किया अभी देखो सडनली आपके लाइफ में एक न्यू सिचुएशन आ रहा है न्यू सिचुएशन तो एक स्टेप आगे आ जाओ थोड़ा सा आगे आ जाते हैं ठीक है ठीके? एक पैर पीछे रखो एक पैर आगे रखो है ना न्यू स्टेज में आ जाओ न्यू स्टेज में जैसे न्यू सिचुएशन आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा अरे पीछे थोड़ा सा देखते हैं कि ये काम आएगा कि नहीं पहले का जो नॉलेज है वो काम पे आ रहा है कि नहीं बट देखा गया कि कुछ तो काम आ गया बट कुछ इन्फॉर्मेशन काम ही नहीं आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा और बैलेंस रहेगा क्या नहीं रहेगा अभी क्या हो जाएगा डिस इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस इक्विलिब्रियम मतलब आप बैलेंस में और नहीं रह सकोगे आप न्यू इन्फॉर्मेशन के खोज में आ जाओगे अरे भाई पहले का जो इन्फॉर्मेशन था वो तो थोड़ा बहुत काम में आया और काम ही नहीं आ रहा है तो हमें न्यू इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी हम फिर से क्या करेंगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेने को ट्राई करेंगे तो मेरे पास जो ब्लैंक हो गया स्पेस क्योंकि मेरा पुराना इंफॉर्मेशन कोई काम पे नहीं आया पुराना नॉलेज हमारे काम पे नहीं आया तो उसके लिए मुझे क्या स्टेप लेना पड़ेगा देखो कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा वेट 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 ये अकोमोडेशन समझ आ गया अकोमोडेशन अभी देखो फिर से हम आगे बैलेंस में फिर से अगर हम अभी के लिए ये स्टेप को क्लोज करते हैं तो स्टेप को क्लोज करने से क्या होगा हम एकोमोडेशन में स्टे कर गए अभी कुछ टाइम बाद जब फिर से न्यू सिचुएशन आएगा उसके अकॉर्डिंग अभी का स्टेज को हम क्या बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे न्यू भी है ओल्ड भी है तो ये अभी एसिमिलेशन में कन्वर्ट हो गया फिर से न्यू सिचुएशन तो न्यू, न्यू सिचुएशन से पहले हम इक्विलिब्रियम में थे जैसे न्यू सिचुएशन आया मुझे नीड पड़ा कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले सो दैट डी इक्लेब्रियम में आ गए उसके बाद फिर एकोमोडेशन करेंगे न्यू

सो फर्स्ट है इट इन्फ्लुएंसेस ये क्या इन्फ्लुएंस करता है देखो इट इन्फ्लुएंसेस द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड ऑब्वियस है बच्चों का साइकोलॉजी रिलेटेड ही तो काम चढ़ा ना कॉग्निटिव है तो कॉग्निटिव मतलब ये साइकोलॉजी रिलेटेड होगा तो इट इन्फ्लुएंसेस द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड देन नेक्स्ट हिज आइडियाज हैव हैव बीन बीन प्रैक्टिकल यूज इन अंडरस्टैंडिंग जो भी वो अंडरस्टैंड करता है उसमें वो प्रैक्टिकली यूज करना चाहिए ना जैसे हमारे पास नॉलेज है तो उसको अगर हम प्रैक्टिकली यूज ना कर सके तो ये इससे कोई बेनिफिट मिलेगा क्या वो तो है ही नहीं कुछ और ब्लैंक हो जाएगा तो हमें वो प्रैक्टिकल यूज में आना चाहिए ऐसा नॉलेज हमारे पास हो अभी देखो उसको यूज करके हम क्या करते हैं पर्टिकुलरली कोई भी फील्ड में वर्क कर सकते हैं स्पेशली एजुकेशन के तो फील्ड में काम कर सकते हैं देन ही बिलीव दैट फॉर लर्निंग फॉर लर्निंग एनवायरमेंट एंड एक्टिविटी आर एसेंशियल आपको अगर कुछ भी चीज़ को पढ़ाई करना है समझना है सीखना है लर्न करना है तो आपको दो चीज़ें चाहिए एक है वातावरण

क्ल पावर ऑफ चिल्ड्रेन दर इंटेलेक्टल चाइल्ड डेवलप्स ठीक है देखो फॉर्मल बोला गया तो हम क्या थे स्पेसिफिक तक थे ना एस पी सी एफ हाँ तो एप कौन सा स्टेज है लास्ट स्टेज है तो लास्ट स्टेज के बाद बच्चा का पूरा जो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा पूरा कंप्लीटली हो जाएगा तो यहाँ पे बोला गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज द एंटायर इंटेलेक्चुअल पावर इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस पावर मेंटल एक्टिविटीज और मेंटल डेवलपमेंट पॉसिबल हो जाता है कंप्लीट हो जाता Then, fifth, है देन देखो फिफ्थ इट द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऑफ पढ़ लिए हैं कहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है फॉर्मल ऑपरेशनल में देन लास्ट अकॉर्डिंग टू पियाजे द पावर ऑफ डिस्कवर कोई चीज को उद्भावन करना आविष्कार करना है और थिंकिंग इन द चाइल्ड और चिल्ड्रेन इज डिटर्मिंड बाय देअर बायोलॉजिकल नेच सॉरी मैचोरिटी मैच्योरिटिकल नेच्योरिटी बोल रही बायोलॉजिकल मैच्योरिटी एक्सप्रियस एंड इंट्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ दैम तो यहाँ पे दो वर्ड्स आए क्या है कि हम बोल रहे हैं जो बच्चों का बायोलॉजिकल थिंकिंग है या बायोलॉजिकल जो नॉलेज है वो कहाँ से आएगा पहले तो उनके पेरेंट्स से आ जाता है तो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी एक बच्चे को बायोलॉजिकली हम मैच्योर बोल रहे हैं बायोलॉजिकल मैच्योर बोल रहे हैं एंड हम बोल रहे हैं कि उसका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ये दोनों अगर मिल जाए तो बच्चा डेवलप हो जाता है बच्चा डेवलप हो जाता है बिकॉज उसका बायोलॉजिकली वो तो डेवलप हो रहा है तो उसके साथ साथ उसका कॉग्नेटिव डेवलपमेंट भी होगा एंड इसके साथ साथ बच्चा मतलब बायोलॉजिकली डेवलप पूरा कंप्लीट कब कम होता है एडोलेसेंस में होता है तो इस एज तक बच्चा का सारा कुछ डेवलपमेंट हो जाता है एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस भी वो गेन कर लेता है सो दैट बी एम प्लस ई बी एम डब्ल्यू तो नहीं हुआ बी एम प्लस ई हो गया जिसके वजह से पूरा बच्चा का डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ तो ये सारा था मैरिट्स जो अच्छे कैरेक्टर हमारे पियाजे ने लिखे हैं अभी देखो डीमेरिट क्या क्या बुराई है किसने क्या कंट्रोवर्सी कर दिया देखो अकॉर्डिंग टू अदर कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अभी कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्या है जो कंस्ट्रक्शन करते हैं जो सोसाइटी को बिल्ड करते हैं अभी बोलोगे कि इंजीनियर्स हैं ये सारे इंजीनियर्स नहीं है सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए जो थ्योरीज जिन्होंने दिया प्रोपाउंडेड किया उनको बोला गया जो प्रोपोनेंट हैं प्रोपोनेंट है जो कि हम बोल सकते हैं इस सोसाइटी को चला रहे हैं और उनके थ्योरीज के थ्रू चल रहा है तो वो पर्सन उनको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं अभी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है उन्होंने इनके ऊपर क्या बोल दिया कॉन्ट्रोवर्सी में डाल दिया इनके थ्योरीज को ऑल स्टेजेस ऑफ पियाजे पियाजे के जितने भी थ्योरी के स्टेजेस हैं आर नॉट रियल उन्होंने बोला ये सब रियल नहीं है उन्होंने सिर्फ एज्यूम करके लिख दिया है सोच के ही लिख दिया है ठीक है सेकेंड पॉइंट हिज थ्योरी वॉज ऑनली बेस्ड ऑन डिस्कवर एंड थिंकिंग ऑफ ए चाइल्ड ठीक है उन्होंने बोला कि इनका जो थ्योरी है ये सिर्फ बोल रहा है कि वो क्या एक्सप्लोर कर रहा है क्या समझ रहा है एंड थिंकिंग उसके प्रोसेस जो है थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है बट नॉट ऑन सोसाइटी सोसाइटी के लिए नहीं बोला सेटिंग कल्चर जो कल्चर यहाँ पे जुड़े हुए हैं ठीक है लिंक्ड है रूटेड है उसके ऊपर नहीं बोला कि कॉग्नेटिव डेवलपमेंट के ऊपर कल्चर का भी बहुत बड़ा हाथ है सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ है उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया यही होता है सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी इनके थ्योरी के ऊपर Are, जो ने यहाँस लिखा है उनका जो थियोरी था, उन्होंने जब थियोरी था, किस बेसिस पे था है? बच्चों को ऑब्जर्व करके बच्चों को ऑब्जर्व कर लिया उन्होंने जो समझा वो लिख दिया क्लिनिकल इंटरव्यूज जो हम मेडिकल uh, इंटरव्यूज करते हैं बच्चों का मतलब uh, कुछ इशू है बच्चों का जो ट्रीटमेंट चाहिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर उन्होंने थ्योरी बनाया था पियाजे अंडर एस्टिमेटेड एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रेन बिकॉज वेर समटाइम्स कंफ्यूजिंग तो अभी उन्होंने बोला कि बच्चों ने आ, कुछ भी डेवलप किया है कुछ स्टेज वाइज किया है ठीक है तो ये जो स्टेज वाइज हुआ है बच्चों के एबिलिटीज़ के ऊपर नहीं लिखा गया क्योंकि देखो अभी तो इंडिविजुअल डिफरेंस कितने हैं किसी का आईक्यू लेवल कितना ज़्यादा है किसी का आईक्यू लेवल बहुत कम है तो ये सारा भी तो इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है ना तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा जो उन्होंने समझा उसी को एक्सप्लेन कर दिया इसलिए उनके जो थ्योरी है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है समझ नहीं आता है अभी देखो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट उट ही विथ ए हैंड फुल पार्टिसिपेंट्स ऑफ ओन एरिया उन्होंने सिर्फ अपने एरिया पे कुछ बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था उन्हीं के थॉट प्रोसेस से उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट लिख डाला थ्योरी को लिख डाला ठीक है दिस थ्योरी इंटरप्रिट्स क्या समझाता है ये थ्योरी इंटरप्रिट्स नॉलेज कंसेप्ट ओनली इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट उन्होंने सिर्फ इतना ही समझाया कि नॉलेज क्या है एंड कॉग्निटिव में उसका रोल क्या है हैन्स इट लुक्स इनकम्प्लीट इसलिए ये इनकम्प्लीट जैसा फील होता है क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी नहीं था यहाँ पे आईक्यू का कोई पॉइंट नहीं था यहाँ पे इंटेलिजेंस का जो एबिलिटी है बच्चों का उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया बस हम लोग कुछ लोगों को लेके कुछ बच्चों को लेके एक्सपेरिमेंट किया एंड उसी के बेस पर पूरा थ्योरी लिखा इसलिए ये कॉन्ट्रोवर्सी में आया एंड ये इनकम्प्लीट थ्योरी लग रहा है फिर भी ये एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड वाइड में पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेड है बिकॉज ऐसा थ्योरी और किसी ने नहीं लिखा था इतना ही ठीक है ठीके?